बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय 3 मार्च को इंदौर में नगर भोज का आयोजन कर रहे हैं, जिसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। इसी को लेकर कैलाश विजयवर्गीय आज मीडिया से रूबरू हुए, देखिए खास रिपोर्ट। भाजपा के महासचिव 3 मार्च को इंदौर में नगर भोज का आयोजन कर रहे हैं, जो व्यापक स्तर पर होगा। इस दौरान तकरीबन 7 किलोमीटर सड़क पर कई भोजनशालाओं का निर्माण किया जाएगा, जहां पर 10 लाख लोगों का भोजन तैयार किया जाएगा। इसी को लेकर कैलाश विजयवर्गीय आज मीडिया से मुखातिब हुए और उन्हें कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। कल 4 बजे से जब यज्ञ की पूर्णाहुति होगी, उसके बाद से आरती के बाद प्रभु प्रसाद, जिसे हम भंडारा कहते हैं, प्रारंभ हो जाएगा। 10 लाख लोगों का भोजन सामग्री, प्रसाद सामग्री तैयार हो रही है। इंदौर के हमारे भोजन बनाने वाले शिव महाराज, जिनको हम भोले बोलते हैं, उनके निर्देशन में गुजरात के भी हलवाई आए हैं, राजस्थान से भी आए हैं, और इंदौर के भी बहुत बड़े हलवाइयों का समूह यहाँ पर भोजन बना रहा है। 10 स्थानों पर भोजन बनाने की व्यवस्था की गई है। 7 स्थानों पर अभी बनना चालू हो गया, मैं देख कर आ रहा हूँ, तो वहाँ चालू हो गया। बाकी जगह भी पानी की व्यवस्था और ये सब हो रही, तो अभी रात तक सब जगह नुक्ति प्रसाद बनना चालू हो जाएगा। सबसे बड़ा भोजन बनाने का केंद्र हमारे महाराज जी का यहीं पर महाराज जी के नेतृत्व में बन रहा है। तो 2-3 स्थानों पर मैदान मिल गया। यदि आप जाएंगे यहाँ से, एक तो इस परिसर में पीछे मैदान है, तो मैदान की सफाई करवा दी, तो हम सड़क पे यहाँ पर नहीं खिलाएंगे, पीछे मैदान में पार्किंग वाले प्लेस पर भोजन कराएंगे, और सामने मैदान है, मैदान के अंदर कराएंगे। तो जहाँ जहाँ हमको मैदान मिल रहे हैं, हम सड़क पे नहीं कराकर मैदान पर कराएंगे। बाकी जगह एक साइड का सड़क रोक कर और भोजन लोगों को बिठाएंगे। ट्रैफिक के लिए हमारे कार्यकर्ता प्लस कुछ एजेंसी से मैन पावर हायर करके ट्रैफिक सुचारू रूप से चले, इसके हम लोग व्यवस्था करेंगे। साफ सफाई में हमारे कार्यकर्ता और नगर निगम में जो पैसे भरना होते हैं, वो शायद भर दिया होगा, कल मैंने बोल दिया था, तो नगर निगम में पैसे भी भर देंगे। तो नगर निगम के कर्मचारी और हमारे कार्यकर्ता मिलकर सफाई का भी ध्यान रखेंगे। हमने बड़े गणपति से लेकर यहाँ के व्यापारियों से कहा है कि आप भी सहयोग प्रदान करें। सब लोगों ने स्वेच्छा से कहा कि हम पानी पिलाएंगे, किसी ने कहा हम कोल्ड ड्रिंक्स पिलाएंगे, ठंडाई पिलाएंगे, तो रस्ते में व्यापारी लोग सब भक्तों की सेवा भी करेंगे। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय ने कार्यक्रम में शामिल होने वाले देश भर के विभिन्न साधु संतों के बारे में भी जानकारी दी। आप बड़े लोग सब ऐसा कि हनुमान जी के हैं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। मैंने कई संत ऐसे, जैसे वेदांती महाराज, खाली उनको पत्र डाला था, आज आ गए। वैष्णव संप्रदाय के क्या नाम था जो आ जाए थे, जे बोलते हैं उनको, मतलब वैष्णव संप्रदाय के परिवार के ही हैं, बड़ौदा में रहते हैं उनका, वो भी आ जाए थे, खाली उनको पत्र डाला था। खंडवा वाले धुनी वाले दादाजी, फ़ोन किया था। तो ऐसे बहुत सारे संत हैं जिनको खबर लग रही है और आ रहे हैं। अभी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महोदय मेरे साथ आ रहे थे अभी, और उनका स्वास्थ्य अचानक, उनके सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, तो मैं नया नहीं इनके हवाई जहाज में बिठा के लाऊँगा और तुम इनके आप आराम करिए महाराज जी। तो ऐसे बहुत सारे संत हैं जो आ रहे हैं। अभी 4 बजे एक युवा संत हैं हरिद्वार के ही, सुंदरगिरी महाराज, ना सुंदरगिरी महाराज तो आ चुके हैं ना तुम्हारे, आ गए। एक और है अभी, क्या नाम है उनका, आनंदगिरी जी महाराज, वो आ चुके होंगे मेरे ख्याल 3:30-4 बजे उनकी फ्लाइट आने वाली होगी। आगे तो आ गए होंगे। तो ऐसे बहुत सारे संत आ रहे हैं। कुल मिलाकर इंदौर में ये पहला आयोजन है जो इतने बड़े लेवल पर किया जा रहा है। फिलहाल अब देखना होगा कि नगर भोज का आयोजन जब किया जाएगा तो किस तरह की व्यवस्था की जाती है। वहीं भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पहाड़ जैसी ऊंची इस तपस्या को पूरा करके ये साबित कर दिया कि आखिर देश की सियासत में उनका लोहा यूं ही नहीं माना जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।